नमस्ते दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आप देख रहे हैं प्रकृति की शरण में पनप रहा अनूठा स्कूल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल की। यहाँ पारंपरिकता व आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ के बच्चे दोस्तों केवल शिक्षक क्षेत्र में नहीं, शैक्षिक क्षेत्र में नहीं उत्कृष्टता दिखाते हैं, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल क्षेत्र में भी अपना जोहर दिखाते हैं। पंचकोश पर आधारित शिक्षा पद्धति से इनका चहुमुखी विकास देखते ही बनता है। आज इसी विशिष्ट विद्यालय की विशिष्ट 7 छात्राएं हरियाणा को गौरवान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड कल्चर जम्बूरी कर्नाटक में जा रही हैं। यहाँ ये स्टेट एग्जीबिशन, योगा व फूड प्लाजा गतिविधियों में काम लेंगी। विवेकियन गाइड कंपनी नाम से सुसज्जित यह दल हरियाणा के गीत संगीत, नृत्य व संस्कृति के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करेगा। आइए मिलते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य जी से और जानते हैं इसके बारे में और। नमस्ते, आप सबका स्वागत है स्कूल प्रांगण में। जैसे कि सब जानते हैं कि विवेकानंद स्कूल पंचकोश शिक्षा पद्धति पर आधारित है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सामाजिक। क्योंकि ये जो कैंप जो लगने जा रहा है इंटरनेशनल जम्बूरी कर्नाटका के अंदर, तो इसका मेन मतलब ही यही है कि ये बच्चे उन बच्चों के साथ जाके मिलेंगे जो भाव रखते हैं कि हमने स्काउटिंग और गाइडिंग करनी है, और अपने जैसे और बच्चे कौन हैं जो कि विभिन्न प्रांतों के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उनसे जाके मिलने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बच्चों को मिलने का उनको ये अवसर मिलेगा। हमें बहुत खुशी है कि हमारे ये 7 बच्चे चयनित हुए हैं कि जो कि हरियाणा राज्य को वहाँ पर जो अपना हरियाणा राज्य की प्रस्तुतियां भी देंगे और हरियाणा राज्य का जो है नाम गौरवान्वित करेंगे। और आइए मिलते हैं इनकी कैंप गाइड श्रीमती बलजिंदर कौर से, जिन्होंने इन बच्चों के साथ बहुत मेहनत की। नमस्ते, मायसेल्फ बलजिंदर फ्रॉम सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल। आई एम अ गाइड कैप्टन ऑफ विवेकियन गाइड कंपनी ऑफ सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल। Really a great chance. First of all, I want to say thanks to our principal sir who has given this opportunity to go to participate in this big event, International Jamboree at Karnataka. We have prepared so many activities and my students are also excited to participate there with me. Process of registration, reservation that has been started from last 2 months. Like in September this process we have started and now we are going to present all these things. So really we are so excited to go there. So kaisa lag raha hai aap sabko? Very excited. Kya tayari hai? We have prepared yogasanas and surya namaskar. We'll be going to present it in Youth Got Talent. पहले तो ये बतलाओ ना कि कल यहाँ से जो तुम जा रहे हो कल स्कूल से कितने बजे चल रहे हो? तो यहाँ से आप पहले अम्बाला जाओगे, अम्बाला से फिर कैसे जा रहे हो? बाय ट्रेन। मजा आएगा ट्रेन में तो बहुत है, खूब अच्छी तैयारियां मस्ती करने की ट्रेन में भी बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना वहां से फिर आप पहुंचोगे मैंगलोर। मैंगलोर है नहीं? यस सर। ठीक है, तो मैंगलोर से पास में है, मैंगलोर से भी आगे है? 28 किलोमीटर मैंगलोर से। और किस जगह पे है ये? क्या कौन सी जगह? विद्यागिरी। अच्छा, तो वहां पे ये तुम्हारा 21 से लेके 27 6 दिन तुम वहां पे रहोगे। तो क्या सोचा है कि क्या होगा वहां पर? सर हमने तो म्यूजिक
ये सोचा गया कि वहाँ पे क्या करो क्या करो करोगे वाली नहीं, मतलब क्या होगा, क्या क्या सीख के क्या So there would be adventure activities like tracking and all those things. So we are very excited, and I think we all try our best to participate in all the activities over there. So as this is state exhibition, so we can see we can see culture of different states. सर कभी इतना ज्यादा ट्रेवल नहीं करा है तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, और वहाँ पे लगता है कि बॉर्न फायर भी होगी जो पहली बार अटेंड करने जा रहे हैं। क्या होती है बॉर्न फायर? सर कैंप साइट के पास कैंप फायर। उसमें आप भी कुछ करोगे या उन्हीं के लोगों के देखोगे? आप हरियाणा के कल्चर को वहाँ पे देखोगे तो सॉन्ग्स के अलावा और क्या नृत्य भी तैयार किया? And more tips, other things also. Okay. What is the real Haryana, that will be presented by you. So, have you made certain things? Yes. Kya hai wo? What more things? Sir, Polycart. Yes. Handsome. Okay. Yes. And one is Rai. Charkha. Okay. And so we will be a puppet, so like Haryana puppets we have made handmade. So we will be presenting that that this shows the Haryana culture. Okay, so that is there. Beside this, you will be telling them it is not only these things. Now Haryana is a very progressive state. Yes, sir. So we are for the sports, for the industry, for IT, for everything. Haryana is. We have prepared all these. Like we have to show that how the time with the time changes and how the modernization came from the back timings. All these we have to show in the proper. Especially Gita. Yes. जो जहाँ पर हुआ था जन्मी है जो जगह जहाँ से गीता का जो है ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिया था तो वो कहाँ पे है हमारे कुरुक्षेत्र। इसलिए हरियाणा हर चीज के लिए एक बहुत। वाह बच्चों, चलिए ये तो हो गई आप सबकी तैयारी, एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां एंड ऑल द बेस्ट। Thank you.